नमस्कार दोस्तों, एसएससी जेस्टमेंट में आपका स्वागत है। और आज हम 10वीं क्लास की एसएसटी की लोकतंत्र का 6ठा पाठ पढ़ रहे हैं, लोकतंत्र के परिणाम। पहला भाग मैंने अपलोड कर दिया था, दूसरा भाग ये है, लोकतंत्र अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है। क्वेश्चन आता है बहुत बढ़िया, लोकतंत्र अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर यानी अच्छी व्यवस्था क्यों है। तो पहला काम है इसका, क्योंकि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, यानी नागरिकों के बीच समानता का व्यवहार स्थापित करती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है और टकराव को टालने और संभालने का तरीका देती है, और फैसलों में बेहतर यानी अच्छे से अच्छे फैसले होते हैं और गलतियों को सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अब है लोकतंत्र के समान तत्व जो सभी देशों में हैं, यानी ऐसे तत्व जो सभी देशों में विद्यमान हैं, वो कौन कौन से हैं। औपचारिक संविधान, जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ संविधान होगा। नियमित चुनाव, जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ चुनाव होंगे। राजनीतिक दल, जहाँ लोकतंत्र होंगे वहाँ राजनीतिक दल होंगे। और बुनियादी अधिकार, जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ बुनियादी अधिकार होंगे। अब लोकतंत्र के असमान तत्व जो सभी देशों में नहीं हैं, यानी ये ऐसे तत्व है जो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं, जैसे लोगों की सामाजिक स्थिति, लोगों की आर्थिक उपलब्धि, लोगों की सांस्कृतिक स्थिति और अल्पसंख्यकों का पाया जाना। ये ऐसे तत्व है जो सभी देश में समान रूप से नहीं पाए जाते। अब वे बुनियादी बातें जो हर लोकतंत्र में होनी चाहिए, ये ऐसी बातें हैं जो जहाँ भी लोकतंत्र होगा वहाँ ज़रूर मिलेगी। क्या क्या बातें हैं? लोगों का अपना शासन चुनने का अधिकार और उन पर नियंत्रण, ये कम से कम ऐसी बातें हैं, बुनियादी बातें जो हर देश में मिलेगी वहाँ जहाँ लोकतंत्र है। यानी लोग अपने शासक को खुद चुनेंगे, उस पर नियंत्रण रखेंगे। फैसला लेने में ज़्यादा समय लगे लेकिन प्रभावी हो। फैसला जो लिया जाता है सरकार के द्वारा, उसमें चाहे टाइम ज़्यादा लगे लेकिन वो क्या होता है? प्रभावी होता है। और पारदर्शिता, पारदर्शिता का अर्थ है पार यानी आर पार, दर्शिता यानी दिखना। जो एक जो शीशा होता है, पारदर्शी शीशे का मतलब आर पार दिखाई देता है। तो इसी प्रकार सरकार की तरफ क्या हो रहा है वो सभी दिखना हमको। तो लोगों का जानने का अधिकार कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ या नहीं हुआ, और इसके साधन भी हो, किस साधन से जाने। जैसे हमारे यहाँ सूचना का अधिकार है, इससे हम जान सकते हैं कि कौन सी टेंडर, कौन सी सरकारी प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है, कहाँ तक चल रही है, कौन सी योजना में कितना पैसा खर्च हुआ, ये सब। लोगों की ज़रूरतों और मांगों का ध्यान रखें। कोई भी लोकतंत्र सरकार है, पहली आवश्यकता यही है, लोगों की ज़रूरतों और मांगों का ध्यान रखें। हम लोकतंत्र को क्यों पसंद करते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, हम लोकतंत्र को क्यों पसंद करते हैं? पहला है नैतिक कारण और दूसरा है युक्तिपरक कारण। नैतिक कारण का मतलब कुछ नैतिक बातें हैं जिनके कारण हमें लोकतंत्र अच्छा लगता है। क्या नैतिक कारण है? एक तो वेद है, वेद का मतलब लीगल है, यानी कोई तरह का दो नंबर का काम नहीं है, अवैध नहीं है। और सम्मान देता है लोकतंत्र, हर नागरिक को सम्मान देता है। जब आप वोट डालते हो तो बड़ा ही अच्छा गुड फील करते हो आप लोग। गरिमा, हर व्यक्ति की गरिमा, इज्जत, आदर बनाए रखता है और समानता, सभी के साथ समान व्यवहार करता है। ये बातें बोलने में अच्छी लगती है, नैतिक लगती है, इसलिए यह नैतिक कारण। और दूसरा है युक्तिपरक कारण। युक्तिपरक का मतलब है उपाय। उपाय ऐसे हैं, कहते हैं ना, हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूछते हैं ये दवाई क्यों दे रहे हो, क्योंकि ये दवाई बड़ी कारगर है। तो एक तो इसलिए लेते हैं कि कोई बड़ा कह रहा है, बड़ा बूढ़ा कह रहा है कि ले ले, तो वो तो हो गया नैतिक कारण। और एक डॉक्टर कह रहा है कि इस दवाई में खासियत ऐसी है कि यह ठीक कर देगी, वो है युक्तिपरक कारण। तो ऐसे ही हमारे लोकतंत्र में ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जो हमें आगे बढ़ाती है, हमें सारे अधिकार दिलाती है। जैसे संविधान है, हर लोकतंत्र में संविधान होता है, चुनाव होते हैं, अधिकार प्राप्त होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं। तो ये आपके युक्तिपरक कारण है। अब लोकतंत्र के परिणाम की बात करें तो लोकतंत्र के परिणाम का मतलब लोकतंत्र से हमें क्या मिला, क्या निष्कर्ष निकला। तो कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थिति बना सकता है लोकतंत्र, लेकिन उन स्थितियों का लाभ लेकर जनता को ही लक्ष्य हासिल करने होते हैं। लोकतंत्र आपको हासिल नहीं करवाएगा, लोकतंत्र आपको परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है ऐसी। दूसरा है, लोकतंत्र का उन अनेक चीज़ों से कोई सरोकार नहीं होता जिन्हें हम मूल्यवान मानते हैं। यानी लोकतंत्र हर चीज़ को आपको उपलब्ध नहीं करवाएगा, जो हमारे लिए मूल्यवान है उनसे ज़्यादा सरोकार नहीं है। सरोकार का मतलब उनसे लोकतंत्र का ज़्यादा लेन देन कई बार नहीं होता। और सभी सामाजिक बुराइयों को मिटाने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है लोकतंत्र। सामाजिक बुराइयां जनता को ही मिटानी पड़ेगी, सरकार को ही कानून बनाकर और जनता को उनका पालन करके मिटानी पड़ेगी। अब लोकतंत्र के तानाशाही से पिछड़ने का एक कारण बताइए। क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र तानाशाही से कैसे पिछड़ रहा है। एक कारण है, वो है 1950 से 2000 के बीच आर्थिक विकास के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, वहाँ आर्थिक विकास ज़्यादा हुआ है। लेकिन इस एक कारण से हम लोकतंत्र को अक्षम नहीं मान सकते, लेकिन इस एक कारण से हम ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र बुरा है और तानाशाही अच्छी है, क्योंकि
आर्थिक विकास कई कारकों पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास इसी कारक पर निर्भर नहीं करता कि वहाँ तानाशाही थी, वहाँ की जनसंख्या कितनी है, अन्य देशों से सहयोग कितना मिलता है, तय की गई आर्थिक प्राथमिकताएँ कितनी है। सरकार की प्राथमिकता भी तो होती है ना कि भाई हम पहले स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, शिक्षा पर ध्यान देंगे या विकास पर ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर तानाशाही सरकारों का रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा रहा है तो इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहा, थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, तो इससे हमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करें लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियाँ। तो एक तो आर्थिक विकास होता है लोकतंत्र में, आर्थिक असमानता में कमी आती है, लोगों का बेहतर जीवन होता है, अवसर और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण होता है और आमदनी का समान वितरण होता है, यानी सभी को बराबर इनकम दी जाती है। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा हो नहीं पाया, यानी लोकतंत्र की ये बातें करें हम, लेकिन अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। अब ये क्या कारण है कि हम ऐसा कह रहे हैं? लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियाँ इतनी सफल नहीं रही। ये क्वेश्चन आया कि लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धि ज़्यादा सफल नहीं रही, उदाहरण दीजिए। तो देखो, मुट्ठी भर धन कुबेरों के पास आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा है और सरकारें गरीबों पर ध्यान नहीं देती, जबकि गरीबी के मुद्दे से चुनाव जीत जाती है। गरीबी हटाने की बात करते करते, जैसे इंदिरा गांधी सरकार ने 1971 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का, गरीबी हटाने के लिए चुनाव मुद्दा बनाकर चुनाव जीत जाते, लेकिन गरीबों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कई गरीब देश तो खाद्य आपूर्ति हेतु यानी भोजन की आपूर्ति के लिए अमीर देशों पर आज भी निर्भर है। बांग्लादेश में आधे से ज़्यादा लोग क्या है? गरीब है। निम्न वर्ग रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य के लिए तरसते हैं। अब हम बात करें लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य कैसे रखता है, यानी जो सामाजिक विविधता है उनको एक कैसे बनाए रखता है। तो एक तो अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालता है और बहुमत को हमेशा अल्पमत का ध्यान रखना जरूरी है। अंतर और विभेदों का आदर करता है। हर फैसले और चुनाव में अलग अलग लोग बहुमत का निर्माण करते हैं और अपने अंदरूनी प्रतिनिधित्व को संभालती है, यानी हर फैसले में अलग अलग लोग, यानी जो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, उन वो भी अपना बहुमत देते हैं और अंदर के जो झगड़े हैं उनको लोकतंत्र संभालता है। दोस्तों, सेकंड पार्ट पूरा हुआ। लाइक करें, शेयर करें।